तो सबसे पहले मैं मेरा एक भोला भाला सा फोटो ले लिया, फिर दूसरा एक जेंटलमैन का फोटो ले लिया। अभी क्या करना है मेरे को, मेरा ये फेस, ये जेंटलमैन का ये जो फेस है यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले जाएंगे मेरा फोटो का ऊपर, इसको हम क्लिक करके अनलॉक कर देंगे। फिर लेंगे इधर से लासो टूल। लासो टूल लेने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब कितना एरिया हमको वो फेस में अप्लाई करना है, ठीक है। तो लासो टूल से मैं ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, हो गया सिलेक्शन। अभी जाना है एडिट में, कॉपी, फिर यही वाला इमेज में जाना है, एडिट में जाने का है, पेस्ट। अभी क्या करना है, इसको हम लोग मूव करके इधर लेके चले जाएंगे, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे। ओके, अभी हमको ये जो इमेज है ना, ये इमेज का आँख और नोज और फेस, ये माउथ, इसका बराबर मुझे ये वाला इमेज को रखना है। इसके लिए इसको थोड़ा ओपासिटी कम कर लेंगे, देखने के लिए आसान होगा। ओके, इसको हम थोड़ा नीचे, थोड़ा ऐसे खींचेंगे, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा नीचे लेके आएंगे। ओके, थोड़ा इसको घुमाएंगे, दिखता है। ओके, ओके, ठीक है। लेकिन इधर का आंख मुझे थोड़ा मैचिंग नहीं हो रहा लगता है। चलो, अभी मेरे सबसे परफेक्ट है, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका जो ऑपेसिटी कम किया था बढ़ा देंगे, ठीक है, बढ़ा दिया। अभी ये जो लेयर का जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स का ऊपर माउस लेके जाने के बाद कीपैड का कंट्रोल दबा के इसका ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मेरा ये सिलेक्ट हो गया। अभी क्या करना है, अभी इधर जाना है सिलेक्ट में, जाके मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट पर ये जो पिक्सल है ना, तो ये आपका इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका इमेज कैसे है, इमेज का क्वालिटी कैसे है, कितना बड़ा इमेज है उसके ऊपर। तो मैं इधर रखता हूँ 4 नॉर्मली, ठीक है, कर देता हूँ ओके। अभी नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके पहले काम करता हूँ, इसको हम अनलॉक करता हूँ। फिर ये वाला लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हमको की पैड का डिलीट प्रेस करना है। ओके, प्रेस कर दिया। अभी देखो, ऊपर वाला लेयर ऑन है बोल के मुझे ये लेयर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली क्या है, इसका फेस डिलीट कर दिया हम लोग, देखो। ओके, अभी क्या करना है, सिलेक्ट में जाना है, जाके डिसिलेक्ट। ओके, अभी दोनों इमेज को मुझे सिलेक्ट करना है। दोनों इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद ऑटो ब्लेंड लेयर, ऑटो ब्लेंड लेयर को क्लिक करना है। ओके, तो इसमें हमको पेनोरोमा में रखना है, और ये नीचे का दो टिक रहेगा, प्रॉब्लम नहीं बात में। ओके, अभी इधर से सिलेक्ट डिसिलेक्ट, ठीक है। तो हम लोग मेरा इमेज से मेरा फेस को दूसरा वाला एक इमेज के ऊपर लेके आ गया। पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हुआ, ठीक है।